जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, आज जब हम सब अपनी सबसे बड़ी इच्छा को पूर्ण करने की बात करते हैं तो हम सब लोगों की एक ही इच्छा है, चाहे वो आपकी हो या मेरी हो, कि किसी भी प्रकार से हमारे बच्चे सफलतापूर्वक पढ़ते हुए अपनी क्लास में अव्वल मार्क प्राप्त करते हुए अपने कैरियर को एक अच्छे आयाम तक पहुंचा सकें, जीवन में किसी भी प्रकार से एक अच्छी नौकरी, सरकारी नौकरी जैसी सुविधा प्राप्त कर सकें, चाहे उसके लिए आप उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाकर, अच्छी से अच्छी ट्यूशन या कोचिंग दिलवाकर अपने संपूर्ण संसाधनों को इस दिशा में लगा देते हैं कि किसी भी प्रकार से आपका बच्चा पढ़ लिख कर अपने कैरियर को बना सके और आपका नाम रोशन कर सके, चाहे उसके लिए हम सब में से किसी को भी भूखे पेट ही क्यों ना सोना पड़े, जरूरत से ज्यादा मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े, मगर हमारा बच्चा अच्छी ट्यूशंस के साथ, अच्छी कोचिंग के साथ, अच्छे स्कूल की पढ़ाई के साथ अव्वल मार्क प्राप्त करता हुआ, अव्वल नंबर क्लास में लाता हुआ, किसी भी प्रकार से या तो कोई अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके या कॉरपोरेट सेक्टर में एक अच्छी नौकरी, एक शानदार कैरियर बनाने में समर्थ हो सके, और कभी भी हमारा बच्चा पढ़ाई लिखाई में, अपनी क्लास में फेल ना हो, सिर्फ और सिर्फ इसी उत्तम आकांक्षा के साथ मैं और आप सभी अपने जीवन के बहुत सारे बहुमूल्य वर्ष अपने बच्चों की खातिर परवान चढ़ा देते हैं। तो आज जो मैं चर्चा करने वाला हूं, वो चर्चा करने वाला हूं किस प्रकार से आपके बच्चों को क्लास में फेल होने से रोका जा सकता है और किस प्रकार से आपको या आपके बच्चों को आपकी क्लास में, आपकी पढ़ाई लिखाई में या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, अच्छे से अच्छे मार्क्स दिलाए जा सके। तो इस चर्चा के लिए मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं कि किस प्रकार से हमारे महान संतों और ऋषि मुनियों द्वारा खोजे गए ज्ञान का, जो कि हमारे धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में संकलित किया गया है, बाद में उस ज्ञान का फायदा उठाकर आपके बच्चों का संपूर्ण कैरियर बनाने में ज्योतिष की मदद से, एस्ट्रोलॉजी की मदद से मैं आप सभी लोगों की हेल्प करने में समर्थ हो सकूं, यही मेरा इस वीडियो को बनाने का एकमात्र उद्देश्य है। तो आज मैं जो चर्चा करने वाला हूं कि किस प्रकार से वृश्चिक राशि वाले बच्चों को, युवकों को, युवतियों को, उनकी क्लास में, उनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर दिलवाए जा सकते हैं और उनको फेल होने से रोका जा सकता है। मेरा नाम सत्यम है, मैं ओखला फेस वन से बिलोंग करता हूँ और टेंथ में मुझे मतलब पढ़ाई में कंसंट्रेट करने में बहुत मुश्किल होती थी। जब भी मैं पढ़ने बैठता था तो मुझे अलग अलग चीज़ें माइंड में आती थी और मेरा कंसंट्रेशन लूज हो जाता था। तो पापा ने मुझे रजनीश बाबा जी के पास लेकर आए, उन्होंने मुझे एक अंगूठी दी, उसके बाद मेरा कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। मतलब मुझे जो चीज़ें याद नहीं होती थी वो याद होने लगी, मेरा कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ गया। और वो अंगूठी एक साल के लिए थी, तो आज हम दोबारा आए हैं क्योंकि मेरे 12th के बोर्ड पास आ गए हैं, तो किसी वजह से हम नहीं आ पाए थे पहले, तो आज आए हैं और आज वो अंगूठी रिप्लेस करवाना है। सो आप भी आ सकते हैं, मेरी तरह जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं और उनको भी ऐसी दिक्कत है तो आप आ सकते हैं। जय शनिदेव। मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनि पीठ मंदिर,
16/24 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। वृश्चिक राशि वाले बच्चों का, युवक युवतियों का पढ़ाई लिखाई में किस प्रकार से मन लगाया जाए, उनको किस प्रकार से फेल होने से रोका जाए, उनके किस प्रकार से कैरियर को एस्ट्रोलॉजी यानी कि ज्योतिष की मदद से टॉप लेवल तक पहुंचाया जा सके, उसमें एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष विज्ञान आपकी किस तरीके से मदद कर सकता है, आज मैं उसकी आपसे डिटेल में चर्चा करूंगा। यहां मैं बात कर रहा हूं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। जब हम वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, युवक युवतियों और बालकों के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां हमारा तात्पर्य उन युवक युवतियों और बच्चों से जिनके पास अपनी प्रॉपर कंप्यूटराइज जन्म कुंडली मौजूद है और उस जन्म कुंडली में उनकी चंद्र राशि या मून साइन जो लिखा हुआ है वो स्कॉर्पियन या वृश्चिक राशि लिखी हुई है वहां पर, तो ये चर्चा आप ही के लिए हो रही है। या फिर उन युवक युवतियों और बच्चों की बात करें जिनके माँ बाप के पास उनका समय और डेट ऑफ बर्थ ही नहीं नोट की गई थी, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का जो बोलता हुआ नाम है समाज में, जो प्रचलित नाम है जिस नाम से वो समाज में सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, वो स्क्रीन पर आ रहे इन अक्षरों में से किसी एक अक्षर से प्रारंभ होता है, तो आप निश्चित रूप से वृश्चिक राशि वाले बालक हैं या युवक युवती हैं, तो ये चर्चा आप ही के लिए हो रही है। तो जब हम वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल देवता, और वहां से जब पंचम स्थान बनता है तो वहां बनती है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी है देव गुरु बृहस्पति, मेरे भी गुरु हैं वो। और जब भाग्य की बात करते हैं तो वहां बनती है कर्क राशि, कर्क राशि के स्वामी है चंद्र देवता। तो अगर हम इन तीनों की और साथ में बुद्धि के देवता बुद्ध देवता की यानी मंगल देवता, बृहस्पति देवता, चंद्र देवता और बुद्ध देवता स्वस्थ होकर मजबूत होकर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, किसी दुष्ट ग्रह से क्रूर ग्रह से दृष्ट नहीं है, तो आपको पढ़ाई लिखाई में कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। किंतु अगर आपको पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम आ रही है, आपके क्लास में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो निश्चित रूप से इसमें से कोई ना कोई परेशानी तो आपके ग्रहों की है ही है आपको, जिसे ठीक करना अति आवश्यक है। अगर आप इसे ठीक नहीं करेंगे तो आप इन ग्रहों से संबंधित शुभ फल प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने बच्चों के कैरियर को नहीं बना पाएंगे, यानी ऐसे युवक युवतियों के कैरियर बनने के रास्ते में विभिन्न प्रकार की अड़चनें आकर खड़ी हो जाएंगी। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कर रहा हूं कि मैं आप पर तो प्रयोग जब करूंगा, जब मैं पहले अपने ऊपर ये प्रयोग कर चुका हूंगा, मैंने अपने बच्चों के साथ जब वो तीसरी क्लास में पढ़ते थे और जब मैं वहां पेरेंट टीचर मीटिंग में गया और 31 बच्चों की क्लास, यानी मैं रामजस डे बोर्डिंग पब्लिक स्कूल आनंद पर्वत की बात कर रहा हूं, तो वहां मेरे बच्चे के जब 31 बच्चों की क्लास में से 27वां नंबर आया तो वो मुझे अपने ऊपर लानत वाला दिन लगा, जब उसकी छोटी सी क्लास टीचर ने हमें खरी खोटी सुनाई। तो सारा दिमाग घूम गया, अरे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो क्या एस्ट्रोलॉजी करते हैं, जब हम अपने बच्चे का कैरियर नहीं बना सके हम, तो उस एस्ट्रोलॉजी का फायदा ही क्या है, उस ज्योतिष विज्ञान का फायदा ही क्या है, बस उसके बाद क्या था, हम और हमारी एस्ट्रोलॉजी। और रिजल्ट में आज जब हमारे दोनों बच्चे अपना सक्सेसफुल कैरियर बना चुके हैं, आईआईटी जेईई के थ्रू सिलेक्ट होकर आज 50-50 51 लाख के पैकेज पर दोनों ही बच्चे काम कर रहे हैं, जिनकी उम्र आज 24 साल से कम है एक की और एक की 26 साल है, तो निश्चित रूप से हमें गर्व का अनुभव होता है कि हमने अपने बच्चों के साथ उनके कैरियर बनाने की दिशा में सही ढंग से काम किया। और उस महान संतों ऋषि मुनियों की जो तपस्या थी,
जिसे आज हम साधना कहते हैं या ज्ञान कहते हैं या एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या ज्योतिष विज्ञान कहते हैं, उसका पूरा पूरा फायदा उठाकर हमने अपने बच्चों को बिना किसी ट्यूशन के इस मुकाम तक पहुंचाया कि आज जरूर उनकी उम्र 23.5 साल या 26 साल है, मगर वो पिछले 2.5 सालों से हमें एक भारी भरकम राशि हर महीने कमा कर देते हैं। तो निश्चित ही हमें गर्व का अनुभव होता है अपनी एस्ट्रोलॉजी पर, अपनी ज्योतिष विज्ञान पर। कितना महान है हमारा ज्योतिष विज्ञान, हमारी एस्ट्रोलॉजी कितनी महान है, जरूरत है हम इसका किस तरीके से फायदा उठाते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे धर्म ग्रंथों में दो ही तरीके बताए गए हैं किसी ग्रह को ठीक करने के लिए। या तो हम उनकी पूजा करें, हम स्वयं उन ग्रहों की पूजा करें, नित्य प्रति साधना करें, या फिर उनसे संबंधित रत्नों की अंगूठियां या लॉकेट धारण करें। जो ग्रह इनमें से खराब है, जो अभी मैं आपको बता रहा था, मंगल देवता, बृहस्पति देवता, चंद्र देवता और बुध देवता, तो अगर हम इन ग्रहों को मजबूत कर लेंगे तो हमें पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। स्वतः ही बच्चों का मन पढ़ाई लिखाई की ओर अपने आप चल पड़ेगा, आपको उन्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं होगी, जा बेटा पढ़। हमने कभी नहीं किया, 3री क्लास के बाद हमने कभी उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, बस उनके लिए उपाय किए, हर साल रत्नों की अंगूठियां उनको पहनाई, लॉकेट पहनाई और भूल गए। और उसके बाद हमें कभी शिकायत का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो थ्रू आउट उसके बाद टॉपर रहे हैं, या फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन। तो अब जब हम पूजा पाठ की बात करते हैं तो छोटे जो बच्चे हैं वो तो पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। अब उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा आप माँ बाप पूजा करेंगे तो बच्चों को उनका पूरा फल चला जाएगा, मैं ऐसा भ्रांति में नहीं रहना चाहता। थोड़ा बहुत फल तो जरूर मिलेगा अगर माँ बाप तो सही तरीके से साधना करें, लेकिन जो बड़े युवक युवतियां, बड़ी उम्र के युवक युवतियां हैं, वो अवश्य इन ग्रहों की साधना करके, मंत्र साधना करके निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। मंत्र साधना के लिए जो मंत्र चाहिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट बुक के रूप में, किताब के रूप में छपे हुए मेरे यहाँ उपलब्ध हैं। ये बहुत सुंदर सी प्रभु साधना की पुस्तक है जिसमें इन सभी मंत्रों के बारे में प्रॉपर जानकारी दी है, इन देवताओं के फोटोग्राफ है प्रॉपर खूबसूरत से, उनको शीशे के फ्रेम कराकर, बड़ा सा फोटो बनवाकर शीशे का फ्रेम कराकर उनके सामने धूप दीप जलाकर लिखे हुए मंत्र से उनकी साधना करेंगे नित्य प्रति, तो निश्चित रूप से धीमे धीमे करके ये ग्रह देवता प्रसन्न हो जाएंगे और आपको आपके कैरियर बनाने में, आपकी पढ़ाई लिखाई में अव्वल मार्क्स दिलवाने में आपको भरपूर मदद करेंगे। मगर पढ़ना लिखना आपने ही है, ये ग्रह देवता पढ़ने लिखने स्कूल नहीं जाएंगे, पढ़ना लिखना आपने ही है, तो आपकी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, जय शनिदेव। Thank you.